नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब नेशनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप कैसे भर सकते हैं, पैसे जमा करने की स्लिप को कैसे भर के बैंक में अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ इस तरीके की पंजाब नेशनल बैंक की स्लिप मिलेगी, ठीक है। ये देख लीजिए आप, आपको इस तरीके की स्लिप मिलेगी। इसमें बीच में लाइन लगी हुई है, कट लगे हुए हैं इस तरीके से। ये स्लिप आपको दे दी जाती है स्टैंप लगाकर, और ये स्लिप बैंक में कैशियर जो होता है वो रख लेता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से भरी जाएगी। सबसे पहला है ब्रांच शाखा, आप कौन सी शाखा में पैसे को जमा कर रहे हैं। जैसे हम जमा कर रहे हैं विकासपुरी ब्रांच में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विकासपुरी, और इस साइड भी ब्रांच का एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे विकासपुरी, ठीक है। अब हमें डालनी है तारीख, यहाँ पे भी देखिए तारीख का कॉलम बना है, यहाँ पे हम तारीख डाल देते हैं। आज की तारीख है 4 तारीख 10वां महीना 2023, और यहाँ पे भी तारीख का कॉलम बना है, यहाँ पे हम अपनी तारीख डाल देते हैं 4 तारीख 10वां महीना 2023। और यहाँ पे अब आपको खाता नंबर डालना है, जो भी आपका खाता नंबर है जिसमें आप पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो मेरा खाता नंबर है 166643201000567, ठीक है। जो आप खाता नंबर यहाँ डालेंगे वही खाता नंबर आपको यहाँ डाल देना है, 166643201000567, ठीक है। जिस खाते में आप पैसे जमा कर रहे हैं वो खाता नंबर डाल देना। अब खाते में जो नाम आपने लिखवाया हुआ वो नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे मेरे खाते में मेरा नाम है रमेश कुमार, वो मैंने लिख दिया, और वही नाम आपको इस साइड लिखना है पर्ची के, रमेश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा है टेलीफोन नंबर लिखना, तो यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर लिख देते हैं 9899981 05, ये हमारा फ़ोन नंबर है। यहाँ पे आप लिख दीजिए अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे भी लिख दीजिए 9899981 05, ठीक है। जो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है। अब आपको ये कॉलम भरना है, जैसे कि आपके पास 500 के 10 नोट है जब आप जमा कराने गए हैं, और 100 के भी आपके पास 20 नोट है, ठीक है। ये हमने एक उदाहरण के लिए लिया है, 500 के 10 हो गए 5000 रुपये, 100 के 20 नोट हो गए 2000 रुपये, ये दोनों को मिला के हो गया 7000 रुपये, ठीक है। अब इसको हमें यहाँ लिखना है 7000, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबरों में लिखा है, यहाँ हमें लिखना है वो, यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू में लिखा है, यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम में लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे 7000 ओनली। यहाँ पे आप हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं 7000 मात्र, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। यही आपको यहाँ पे लिख देना है टोटल के आगे 7000, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं सिग्नेचर, यहाँ मैं कर देता हूँ अपने सिग्नेचर, ठीक है। ये हो गया, तो यही जानकारियाँ आपको यहाँ पे भी भर देनी है। कितना है टोटल अमाउंट 7000, इसको नंबरों में लिखना है हमें, तो हम लिख देंगे 7000 ओनली मात्र, ठीक है। और इसके नीचे भी आप लिख दीजिए कितने हैं 7000, ठीक। ये हो गया, इस तरीके से आप अपने पंजाब नेशनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप को भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।